नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगता है, आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करते रहते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक गाँव के अंदर हूँ और गाँव का नाम स्टोरी नाम है ना आयरोली, आयरोली गाँव का नाम है ये, हाँ आयरोली गाँव का नाम है। और देखिए पीछे जो मकान दिख रहा है ना, एक मकान यूट्यूबर है, निषाद समाज के दोनों यूट्यूबर हैं और ये भी मिली मुझे है, इनसे मिलता हूँ, बातें करता हूँ मैं। पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो क्यों महिला यूट्यूब की बात है, मैडम ये हमारा एक यूट्यूब चैनल चलता है और एक फेसबुक पेज चलता है, फेसबुक पेज के ऊपर पूरे भारत में लोगों का इंटरव्यू लेता रहता हूँ, तो आज आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिला हुआ, इसके धन्यवाद आप इंटरव्यू दे रही है। पहले आपने परिचय दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। नमस्ते कर ली सबको, आप तो आप सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोग इस वीडियो को वॉच करेंगे और देखेंगे, और तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग भैया को भी बहुत ज्यादा वॉच करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर कन्हैया भैया के यहाँ आए हुए हैं, कन्हैया निषाद के यहाँ, हाँ जी कन्हैया निषाद जी के यहाँ आए हुए हैं। परसों रात में भाभी अचानक 9 बजे फोन की कि मतलब आना है, तो फिर हमें हम अगले दिन सुबह बस पकड़ के चले आए हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम अकबरपुर अम्बेडकर नगर जिले से आए और रहने वाले मऊ डिस्ट्रिक्ट के हैं। अच्छा, मऊ की रहने वाली है और ये गोरखपुर रहने वाले हैं, कैसे आपका संपर्क दोनों में हुआ? जी जैसे हमारे पापा अकबरपुर अम्बेडकर नगर में सर्विस करते हैं, तो वहीं पर थोड़े 20-20 किलोमीटर पे कन्हैया भैया जी का घर पड़ता है, कन्हैया निषाद जी का वहीं पे, वहीं पे घर पड़ता है। तो हम जैसे वीडियो के बारे में एक दो बार कौशल भैया से बात किए, जो कौशल निषाद जी से, जी कौशल निषाद जी से बात किए, तो इसके बाद जो क्या कहा जाता है कन्हैया भैया जी वहाँ पर घर जा रहे थे, तो ये भैया बोले कि हम नंबर देता हूँ, वहाँ बात कर लो, मिल लो। तो फिर हम गए जो है कन्हैया भैया जी से मिले उले, उनसे बातचीत हुई, तो परिचय बढ़ा, ऐसे भैया को मेरा व्यवहार अच्छा लगा और जो है हमें भी उनका व्यवहार अच्छा लगा, क्योंकि भैया से मिलने के बाद एकदम परिवार जैसा फीलिंग हुआ, कन्हैया भैया से, हाँ एकदम। तो जब सालू भाभी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था गोद भराई के पहले, तभी भैया फोन करके बुलाए कि भाभी भी फोन की, सालू भाभी कि मतलब आ जाओ यहाँ पर, बस साथ में रहना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मतलब घर से हम अगले दिन चले आए यहाँ पर, घर में अलाउ करते हैं, हाँ घर में अलाउ करते हैं, पापा फुल सपोर्ट करते हैं, मम्मी भी सपोर्ट करती हैं। और जैसे हम, मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि हम एमए जो है टॉपर है, बीए भी टॉपर है, हमारा एमए जो है ज्योग्राफी से है। कामों से ही पढ़ा किया आपने? जी नहीं, हम अवध यूनिवर्सिटी से किए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद। अच्छा। तो वहाँ पर हम जो है यहाँ बाबा बरुआ दास पीजी कॉलेज है, वहाँ से टॉप किए हैं, जो अवध यूनिवर्सिटी का सबसे मतलब हाईएस्ट कॉलेज है। चलिए बधाई उसके लिए। और फिर मतलब जैसे आप बोल रहे एकदम तेज तरह बोलने के अंदर, शुरू में ऐसे ही बोलने में थे कि मतलब शुरू में थे, क्योंकि हम कॉलेज में ही फंक्शन सब कुछ मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर हर चीज करने में हम टॉप पे रहते थे। अच्छा। तो हम बोलने में और अपने भाई बहनों में भी हम बोलने में सबसे होनहार है, बोलने के लिए चुप कराए जाते हैं। अच्छा। इतना बोलते हैं, कैमरा फेस करना बहुत लोग कर नहीं पाते हैं। हाँ नहीं तो हमें नहीं डर लगता है, कैमरा ऑपरेशन जी कर लेते हैं, तो फिर ऐसे वीडियो भी बनाना अच्छा लगता है और हमारी तैयारी भी होती है। हम जैसे टीचिंग लाइन में है तो हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी करते हैं, और मेरा एक टीचिंग लाइन में सिलेक्शन भी हुआ था, जो अभी मैटर कोर्ट में फंसा हुआ है, और पिछली बार भी हम एग्जाम दिए थे तो एक नंबर से रह गए। धुआंधार बोल रहे हैं एकदम पूरा जी, ट्रेन जल्दी लगातार चलता रहता है, वैसे भी कर रहे हैं एकदम पूरा। अभी बताए मुझको जो है यूट्यूबर क्यों बनना चाहती है, यूट्यूबर बनने कैसा लगता है? असल में मुझे सोशल मीडिया से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और जैसे भैया भाभी का हम वीडियो वॉच करते थे, देखते थे। हाँ। तो ये लगता था कि हम भी वीडियो बनाएं। हाँ। तो हम पढ़ने में चूंकि तेज थे, तो पढ़ाई में भी बहुत मन लगता है, ऐसा नहीं कि वीडियो बना रहे तो पढ़ने मन नहीं अच्छा, लगता है। हम पढ़ाई को भी उतना ही समय देते हैं। और जैसे भैया एक पास रहते तो वीडियो भी बनाते हैं, हम सब कुछ मैनेज करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, सबका वीडियो भी देखते हैं कि सबके लाइफ में क्या चल रहा है, और पढ़ाई भी करते हैं। तो मतलब हम वीडियो बनाना इसीलिए अच्छा लगता है कि मतलब लोग जानते हैं, अच्छा लगता है, और मतलब कुछ न कुछ सीखने को मिलता है हर क्षेत्र में, कुछ न कुछ सीखने को, इसमें भी सीखने को मिलता है। अच्छा। हर चीजें, तो इसीलिए वीडियो बनाना। आपके कितने सब्सक्राइबर आपके आज के डेट में यूट्यूब पे? हमारे जो है 43,000 प्लस सब्सक्राइबर है। 43,000 सब्सक्राइबर हो गए, कितने दिन के अंदर हो गए सब्सक्राइबर? इतने सब्सक्राइबर हम जब भैया से मिले थे तो लगभग जैसे उतने, भैया मतलब कह रही है कन्हैया निषाद, कन्हैया निषाद जी से, तो जब मिले तो हमारे 5,000 थे सब्सक्राइबर। इसके बाद जब भैया आए तो जैसे ये होता ना कि पहले किसी से मिले नहीं, तो कोई टेक्निक नहीं थी, तो बस ऐसे बनाते थे, डाल देते थे। क्या बनाती थी पहले? पहले शॉर्ट्स ही बनाते थे, लॉन्ग डांस करती थी, क्या करती? डांस करती, कॉमेडी सब कुछ। अच्छा, मल्टी बताता है? हाँ मल्टी एकदम वीडियोज बनाते थे, कॉमेडी वेडी बहुत अच्छा, हम एक ही बार में मतलब लिपसिंग देके अच्छे से बनाते हैं। तो इसके बाद जब कन्हैया भैया जी से मिले तो इन्होंने बताया कि ब्लॉगिंग भी किया करो, अच्छा है, तो फिर तब से हम ब्लॉगिंग भी करने लगे। ब्लॉगिंग भी क्यों आता ब्लॉगिंग में? जी तो ब्लॉगिंग से वॉच टाइम भी बहुत अच्छा, पूरा मतलब वॉच भी अच्छा आता है, और क्या है कि मतलब सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं। अच्छा। ब्लॉगिंग से जी। अच्छा, पेमेंट भी आता है? जी पेमेंट आता है। पेमेंट भारी है जी, पेमेंट आ रहे हैं। अच्छा, अभी इंडिया में पैसा आ रहा, अमेरिका था, ऐसा फील होता है? हाँ
ऐसा फील होता है, मुझे लगता है कि पढ़ने बाद में पैसा तो इंडिया मिलता है। हम लोग अमेरिका वालों को लूट रहे इंडिया में रह करके। यूट्यूब के माध्यम से लोग जो है अमेरिका से पैसा कमा रहे हैं। अच्छी बात है ना, कुछ डॉलर हमारे इंडिया में अमेरिका से आ रहा है, तो ये तो हमारे इंडिया के लिए तरक्की की बात है। इंडिया जीडीपी में सपोर्ट कर रही है। जी बिल्कुल, जैसे आप पढ़ी लिखी लड़की है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग महिलाएं घर वाले लोग मना करते हैं कि वीडियो मत बनाइए, ना खोलो करो, तो क्या घर की महिलाओं को पढ़ी लिखी लड़कियों को यूट्यूब आना चाहिए, क्या काम करना चाहिए? जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी पढ़ाई करते हैं, देखिए वीडियो भी बना रहे, घर में फुल सपोर्ट है। कोई ऐसा ही अफवाह है कि सोशल मीडिया जुड़ना गंदी बात है, ऐसे वैसे कुछ नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा वीडियो बनाती है, साफ सुथरा, मतलब बस आप पर ही निर्भर है कि आप कैसा एंगल चुनना चाहती हैं, साफ सुथरा वीडियो बनाना चाहती हैं, जैसा भी बनाना चाहेंगी, अगर अच्छा और साफ सुथरा वीडियो बनाएंगे तो हम तो कहेंगे कि यूट्यूब पे आना बहुत बेस्ट है। खूब पैसा है ना इसके? खूब पैसा है जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा छापेंगे। अरे, और पैसा नहीं डॉलर छापेंगे। हाँ, डॉलर छापेंगे फिर इंडिया में आके वो पैसा भी नहीं, रुपया भी मिलेगा। पैसा आता है वहाँ से जाता है, डॉलर में पैसा आता है, रुपये में पैसा आता है, डॉलर में आता है। हम लोग मालूम है लेकिन जो लोग जानते हैं उनको बता दीजिए। डॉलर में आता है, इसके बाद फिर उसे रुपये में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे क्या होता है ना, एक बीसी क्या कोड होता है, स्विफ्ट कोड। हाँ, स्विफ्ट कोड जो होता है उसके जरिए फिर रुपए में कन्वर्ट होता है। जब वो कोड हम डालते हैं, पहला पैसा आपका यूट्यूब से पैसा, पैसे पहले आपने क्या किया था यूट्यूब से? पहला पैसा पेमेंट आया था, पहला पेमेंट, पहला खुशी होता ना जी। पहला खुशी था तो हमने सत्यनारायण भगवान का कथा सुना था। अच्छा, और पैसा लुटा था उसमें? नहीं नहीं, और क्या है कि अभी जैसे होता है ना, कन्हैया निषाद भैया जी जो है हमारे, उन्होंने बोला कि मतलब एक ट्रिक बताया कि गाय को और बंदर को कुछ खिलाना चाहिए, तो अभी खिलाना है, बाकी हम पैसे को जो है सोच रहे उसे मम्मी पापा के ऊपर खर्च करना चाह रहे हैं। हमारे ऐसा नहीं है, मम्मी पापा जो सब बच्चों पे बहुत केयर करते हैं लेकिन खुद का केयर नहीं करते हैं। अच्छा। तो हम उसे जो मम्मी पापा को चाहिए हम उनके लिए खरीदेंगे, वो लोग तो बताते नहीं क्या चाहिए, लेकिन हमारे पास जो पैसा आया है वो नहीं बताएंगे, तो आप बच्चे हैं, हम भी तो फील कर ही लेते हैं उन्हें किस चीज की जरूरत है, तो उनके लिए हम खरीदेंगे वो चीज उस पैसे से। अब बहुत सारी चीजें हैं, वो बात हो चुकी है, सर्च करना क्या यूट्यूब लिखेगा जी? हमारे चैनल को अगर आपको सर्च करना है तो मंटू बबीता ऑफिशियल भी सर्च कर सकते हैं, और केवल मंटू बबीता भी लिखेंगे तब भी वो सर्चिंग में आ जाता है। MANTU जी, मंटू BABITA बबीता, दो नाम आपका है क्या? जी नहीं, मंटू हमारा नाम है। हाँ। और बबीता हमारी छोटी सिस्टर का नाम है, दोनों मिल काम करती हैं। तो दोनों लोग जैसे वो वीडियो बनाती थी तो हम जैसे फैमिली को लेके चलना चाहिए, वो वीडियो मेरा बनाती थी, शूट करती थी, तो जैसे हम वो पूरा एडिटिंग करती थी, चूंकि हमें पढ़ना भी रहता है तो हम सब काम नहीं कर पाते थे, तो जैसे टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए ऐसा नहीं कि पता नहीं है, तो वो सब कुछ काम करती, तो उसे बुरा ना लगे, चूंकि मेरी छोटी सिस्टर है, तो उसके भावनाओं को ध्यान रखते हुए हमने दोनों के नाम से चैनल बनाया है। अब मान लीजिए यूट्यूब को सीखना हो, यूट्यूब पे काम करना हो, कैसे यूट्यूब सीख सकता है आदमी? जैसे YouTube से सीखना क्या है, जो चीज नहीं नॉलेज, आप टेक्निकल वीडियो देखिए, YouTube पे ढेर सारे टेक्निकल वीडियो है, हमारे भी संपर्क में कोई नहीं, कोई मान ले कि YouTube सीखना लेके जाए, YouTube पे YouTube चैनल कैसे बनाते बता देगा YouTube? जी हाँ बिल्कुल बता देगा ना। हाँ ठीक है, आप छोटे पछताते भैया, देखिए इनसे पूछे समझिए, हम खुद से बनाए थे, हमारे दूर दराज तक कोई संपर्क में जो यूट्यूबर नहीं है, और हम किसी भी यूट्यूबर से नहीं मिले थे, मोबाइल में टेक्निकल वीडियो देखकर ही अपना चैनल क्रिएट किए थे। ये देखिए, पढ़ा लिखा होने का फायदा ये होता है, मुझे लगता है देखिए दोस्तों, मैं दिखा देता आपको, देखिए ये कन्हैया जी का मकान है, उसके बाद जो है ये कौशल भी एक मकान है, सारी चीजें हैं, और ये पूरा एरिया जो है विभाग बोध क्षेत्र है, अच्छा लगता है ये। ठीक है, मुझे लगता है कि बड़ा आपने जो है अच्छा इंटरव्यू दिया, विभाग बोलती हैं आप, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आप देखेंगे और जाके सर्च करेंगे मल्टू बबीता, तो आप मिलेंगे। और एक बात और है दोस्तों, अपने कन्हैया निषाद भैया जी के लिए कहना चाहते हैं और कौशल भैया जी के लिए कहना चाहते हैं, इन लोगों से मिलकर, ये लोग इतने अच्छे स्वभाव के हैं, इतने अच्छे स्वभाव के हैं कि यहाँ आने के बाद मेरा जाने का मन नहीं करता है, मतलब जैसे लगता है कि गोरखपुर पसंद आपको आ गया? गोरखपुर तो बाद में पसंद है, पहले भैया और भाइयों का जो है फैमिली बहुत पसंद आया, और गोरखपुर भी भागे, हम जब से गोरखपुर आए पता नहीं कितनी बार आते गए। तो वीडियो बना के मैं दिखा दिया आपको, है मैंने यहाँ गोरखपुर के ग्रामीण विधानसभा से, और ये बबीता जी थे, यूट्यूबर है, मैं भी यूट्यूबर ही, और पीछे बहुत सारे यूट्यूबर घर बन रहा है, मुझे लगता है यूट्यूब सोसाइटी जो दिन भी मजबूत हो रही है। ठीक है, इनको सर्च करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए पहले क्या वीडियो देखते हो, और वीडियो शेयर करिए, दुनिया बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि महिलाएं लोग क्या कर रहे हैं, और वीडियो माध्यम से उनको इंस्पिरेशन मिले, वही काम करे। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया जी, आप मेरा इंटरव्यू लिए उसके लिए भी धन्यवाद, और भैया जी से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। ओके नमस्ते।